हजिया उड़ा दो कॉन्सेप्ट से ट्रिप तक मल्टीप्लाई पार्ट वन कल जैसे कि हम बढ़ा दिए हैं और आप पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। जैसे कल बताया कि 100 को बेस मानकर गुणा किया जाए, 100 को बेस मानकर गुणा किया जाए, तो कल हम पार्ट वन में बताए हैं। जो अगर अभी तक नहीं मेरा वीडियो को देखे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को देखे, मेरे चैनल पे जाए। मेरा चैनल का नाम है शेषा कुमार, वहाँ पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके आपका मेरा चैनल खुलेगा शेषा कुमार, वहाँ पे पार्ट वन आप देख सकते हैं। तो हम जैसे कि आज हम पार्ट मल्टीप्लाई का पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। यदि संख्या 1000 को बेस मानकर गुणा किया जाए, यदि संख्या 1000 से जितना कम या अधिक होगा उस संख्या के नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे, तथा परिणाम में हमेशा 3 अंक लिखेंगे और 3 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में 1 करेंगे और 3 अंक से कम रहने पर लेफ्ट साइड में 0 लिखकर 3 अंक को पूरा करेंगे। स्टेप सेकंड, यदि संख्या 1000 से कम रहने पर घटाएंगे और अधिक रहने पर जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, जैसे 995 गुणे 997, ये कितने आसपास का संख्या है जी, 1000 के आसपास है। तो हम बताए हैं जब भी शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जितना कम रहता है कम करते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा करते हैं। 1000 से कितना कम है, 5 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, 3 अंक। क्यों? क्योंकि 1000 में कितना 0 होता है, 3 0 होता है, इसलिए 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड से 0 लिखेंगे। अब तिरछी किसी एक संख्या को घटा लेंगे, कम है तो कम करेंगे, कम है तो कम करेंगे। अब 5 × 3 गया तो 2 9 9, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, जैसे रहेगा 998 × 994, ये कितना कम है जी, 2 कम है, ये कितना कम है, 6 कम है, तो 6 × 12, लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड से 0 देंगे। अब तिरछी किसी एक संख्या को माइनस कर लेंगे, 8 × 6 गया तो 2 9 9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जैसे रहेगा आपका 998 × 988, 998 कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, रिजल्ट हमेशा 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड से 0 देंगे। तिरछी किसी एक संख्या को माइनस कर लेना है, कम है तो कम करेंगे, अधिक है तो अधिक करेंगे, 8 × 2 गया तो 6, 9 × 1 गया तो 8, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब ये 1000 से कम रहेगा तो कम करेंगे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करेंगे। अब जैसे देखिए 1000 से अधिक रहेगा, 1000 से अधिक रहेगा तो 1000 से कम था तो कम करते थे। अब जैसे रहेगा 1008 × 1012, 1012, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है जी, 8 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 × 6 = 96, लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखते हैं, 3 अंक, क्योंकि 1000 में कितना 0 होता है, 3 0 होता है, 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड से 0 करेंगे। अब तिरछी किसी एक संख्या को ये ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, कम रहता है तो कम करते हैं, यहाँ पे 1 कर देना है, 12 कितना 20, 1020, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। जैसे रहेगा 1024 × 1000, 1005 कितना ज्यादा है जी, 24 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 24 × 5 = 120, रिजल्ट पर हमेशा 3 अंक तो आया हुआ है। अब तिरछी किसी एक संख्या को जोड़ देना है, 24 × 5 कितना होता है, 29, 1029, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब जैसे और देखिए, जैसे रहेगा 10012 × 1007, कुछ भी नहीं, 1007 तो बढ़ सकते 84, बढ़ सकते 84, रिजल्ट तो हमें 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड सर से क्या करते हैं, 0 देते हैं। अब 12 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9, 1 × 19, 1000 क्या हो जाएगा आपका 19, यही आपका आंसर होगा। अब जैसे कि देखिए इस बार ये आपका रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे 900 995 बटे 300
43 × 900 98 × 998 बराबर हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, तो पूर्णांक को सबसे पहले तोड़ेंगे जी, पूर्णांक को ये कितना है 995 × 998, ऊपर वाला संख्या को एक करते हैं तो सबसे पहले 1000 से कितना कम है, 5 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, 5 × 2 = 10, रिजल्ट हमेशा 3 अंक पुराने के लिए लेफ्ट साइड से 0 देंगे, तिरछी किसी एक संख्या को माइनस कर लेना है, 5 + 2 = 2, 3 × 9 = 9। अब ऊपर वाला संख्या को क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 1 करते हैं तो 3 × 4 = 3, अब 1 का लेना है, 1 का लेना है तो 3 × 5 = 3, 3 × 9 = 9, यानी कि आपका आ गया है 9 9 3 3 5 3 बटे। और जितना पूर्णांक में रहता है उसको उस संख्या पर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो आप देखिए 998 × 998 कैंसिल है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह का रहेगा तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे एक संख्या, जैसे 995 × 343 ठीक उसी तरह से फिर बनाएंगे, तो 995 × 995 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना कम है जी, 5 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है, तो ये 5 कम है तो कितना हो जाएगा जी, 25 25, रिजल्ट हमेशा 3 अंक लिखेंगे। अब तिरछी किसी एक संख्या को घटा लेना है, 5 × 5 किया तो 0 9, अब ऊपर वाला संख्या को जोड़ लेना है 343, 5 × 8 = 4 2 6 3 0 9 9, तो यानी कि 990 30 6 8 बटे 995 × 995 कैंसिल, तो क्या बात किया आपका, यही आपका आंसर आएगा। इस तरह से रहेगा तो हम आसानी से इसको इस तरह से कर सकते हैं। यदि 100 के गुणज को बेस मानकर गुणा किया जाए, अब 100 को गुणज यानी कि गुणज के है या अपवर्त के है या मल्टीप्लाई के, एक ही बात होता है। तो जैसे स्टेप वन, यदि संख्या 100 के अपवर्त से जितना कम या अधिक होगा उस संख्या के नीचे लिखेंगे, बेस के ही मान के, बेस ही पे मान कर ही गुणा बना रहे हैं, तो जितना कम या अधिक देगा उस संख्या के नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे, तथा परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में 1 करेंगे और 2 अंक से कम रहने पर लेफ्ट साइड में 0 लिखकर 2 अंक को पूरा करेंगे। स्टेप सेकंड, 100 के अपवर्त से जितना कम या अधिक होगा उस संख्या के नीचे लिखेंगे और कम रहने पर घटाएंगे और अधिक रहने पर जोड़ेंगे, उसके बाद 100 का जितना गुणज होगा उससे गुणा करेंगे। तो अब जैसे ये 498 × 446 किसके आसपास का संख्या है जी, ये 500 के आसपास का संख्या है, तो 500 यानी कि अपवर्त का मतलब होता है जैसे 500, तो 500 का अपवर्त है तो हम 5 से गुणा कर लेंगे, 600 का अपवर्त रहेगा तो 6 से गुणा कर लेंगे, 700 का अपवर्त रहेगा तो 7 से गुणा कर लेंगे, तो ये 500 के आसपास है, तो 500 से ये कितना कम है जी, 500 से ये 2 कम है, ये 500 से 2 कम है, और ये कितना कम है, ये कितना कम है, 5 कम है, तो ये 54 कम है, ये 2 कम है 500 से, ये 446 से 54 कम है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 2 से गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 5 × 10, 5 × 2 देखिए, लेकिन रिजल्ट में हम बताए हैं, रिजल्ट में बताया कि हमेशा 2 ही अंक लिखना है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक आ गया, यानी कि 54 × 100 क्या हो जाता है जी, 54 × 108 हो जा रहा है, 54 × 108, रिजल्ट में हमेशा 2 ही अंक लिखेंगे, शेष 1 बच गया, तो अगला स्टेप में 1 कर लेंगे। अब कम है तो कम करेंगे, तिरछी किसी एक संख्या को कम कर लेना है, तो अब कम करेंगे तो 6 + 2 गया तो 4 4 4, और ये कितने के, कितना का गुणज है जी, 500 का गुणज है, तो 5 से हम गुणा कर लेंगे, 600 का गुणज रहेगा तो 600 से गुणा कर लेंगे, 800 का गुणज रहेगा तो 8 से गुणा कर लेंगे, 1000 का गुणज रहेगा तो 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना का गुणज होगा जी, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 20, हासिल कितना बचा हुआ, 1,
तो 20 एक का किस हासिल दो 4 5 20 दो बार 4 5 20 दो बार ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से ये किसके आसपास का है जी 200 के आसपास है 2 से कितना कम है 6 ये कितना कम है 12 अब बच्चा के 72 लेकिन रिजल्ट में हमेशा दो ही अंक लिखेंगे दो अंक आया हुआ अब तिरछी किसी एक संख्या को माइनस कर लेना है तिरछी किसी एक संख्या कम है तो कम करेंगे ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे अब 8 + 6 गया तो 2 8 1 कितना का गुणज है 2 से गुणज है तो 2 2 में 4 18 2 में 36 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये किसके आसपास का है जी ये आपका है 900 के आसपास ये कितना कम है जी ये कितना ये आपका 52 कम है और ये किसकी ये कितना कम है 18 कम है। अब दो अंकों की कर्ण मतलब पार्ट 1 में वीडियो हम दो अंकों का गुणा बताए थे दो अंकों को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे अगर अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पार्ट 1 देखें वहां पे आपको पूरा समझ में आएगा। तो जैसे हम दो अंक का गुणा बताए थे तो 52 और 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 52 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 हासिल 1 8 5 40 8 5 40 और 2 1 2 40 2 42 हासिल 4 5 1 1 5 4 9 900 कितना हो जाएगा आपका 26 लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक बोले हैं जी दो ही अंक बोले हैं दो ही अंक बोले हैं तो हम 52 और 18 से गुणा करेंगे तो 936 आएगा लेकिन रिजल्ट में हमेशा दो ही अंक लिखना है तो 36 और कितना शेष बच गया जी 9 और अब कम है तो कम कर देना है कम है तो कम कर देना है तो क्या हो जाएगा जी ये 8 2 2 + 2 जाएगा तो 0 8 + 5 किया तो 3 8 और कितना का गुणा करेंगे जी 900 का गुणा जाए तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 9 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा हासिल कितना बचा हुआ था 9 हासिल 9 बचा था अब क्या हो जाएगा जी 9 किया 27 का हासिल हम 27 का 7 हासिल 2 9 8 72 9 8 72 72 2 74 ये आपका क्या हो जाएगा यानी कि इस तरह से रहेगा तो हम कम रहेगा तो कम करेंगे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करेंगे कम रहेगा तो कम हमेशा इतना याद रखना है शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट पे हम हर चीज को बताते जा रहे हैं कोई इसमें डबल कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे सबको इसको भज्जा उड़ा देना है कॉन्सेप्ट से ट्रिक तक। अब जैसे तो अब जैसे देखिए रहेगा 612 गुने 612 गुने 608 अब ये किसके आसपास का है जी 600 के आसपास है तो 600 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ये कितना ज्यादा है 8 अब 12 के 96 12 के 96 रिजल्ट में हमेशा दो ही अंक लिखेंगे अब ज्यादा है तो हम ज्यादा कर लेना है ज्यादा है तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 600 20 20 के गुणा है 600 का तो 6 से गुणा कर लेंगे 0 6 से गुणा कर लेंगे 0 6 2 12 हासिल है 6 4 36 37 जैसे रहेगा 500 532 गुने 532 गुने 504 532 गुने 504 कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है ये कितना ज्यादा है 4 तो 32 गुने कितना 32 चौके 32 चौके 4 तो 8 4 3 12 128 हो जा रहा लेकिन रिजल्ट में हमेशा कितना अंक लिखेंगे दो ही अंक एक शेष बच गया। अब किसी एक संख्या को ऐड कर देना है ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे 4 2 6 3 और 500 कितना हो जाएगा जी 36 कितना का गुणज है 500 का गुणज है तो 5 से गुणा करेंगे 6 5 30 1 1 3 हासिल 3 3 5 15 15 15 3 18 हासिल 1 और 5 3 5 25 1 26 यही आपका क्या हो जाएगा डिजिट का गुणा करना हो तो सेम डिजिट का गुणा करना हो तो जैसे सेम यानी कि समान एक जैसा बराबर इक्वल। अब जैसे देखिए ये एक 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 ये अभी वन वन सब क्या है जिस समान है और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए हम संख्या को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ये बार 4 संख्या है और 1 2 3 ये 3 संख्या। तो अब जैसे देखिए ये 3 है ये 4 है तो हम इसको दोनों का अगर आपस में झगड़ा करवाते हैं आपस में झगड़ा करवाते हैं तो कौन जीतेगा तो ये आपस में जो बड़ा व्यक्ति है और ये छोटा व्यक्ति है तो जाहिर बात है कि बड़ा व्यक्ति ही जीतेगा। तो हम सबसे पहले कोई भी व्यक्ति छोटा व्यक्ति से ही क्या करता है लड़ाई करना चाहता है यानी कि झगड़ा जैसा कि उसको जीत हासिल
तो आप जैसे आप छोटा व्यक्ति को काउंट करेंगे तो 1 2 3 ये जितना व्यक्ति रहेगा सबसे छोटा व्यक्ति को काउंट करेंगे कि 1 2 3 की तुम कितने व्यक्ति, यानी कि इसको कालर पकड़ेंगे और पीछे से बोलेंगे कि तुम कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति है 1 2 3 और याद रखने के लिए नीचे से रेकॉर्डिंग दे देंगे। और अब 12 में जाएंगे तो 12 में हमेशा एक ऐड कर देना है, 12 में हमेशा एक ऐड कर देना है, तो 4 है और एक हमेशा 12 में एक ऐड करते हैं, तो 4 1 5 और 5 मास छोटा व्यक्ति में से घटा लेते हैं तो 5 मास 3 गया तो 2, इसका मतलब क्या रहा है 3 2 बार लिखने के लिए, एक बार लिखा हुआ एक बार और लिखेंगे और उसके बाद घटते क्रम में लिख देंगे 3 के बाद 2 2 के बाद 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरह से आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ये 5 व्यक्ति है 1 2 3 4 5 6 ये 6, तो बोले थे सबसे पहले छोटा व्यक्ति को काउंट करना है 1 2 3 4 5 और उसके बाद याद रखने के लिए रेकॉर्डिंग डालेंगे। 12 में हमेशा एक ऐड करते हैं तो 12 में एक ऐड करते हैं तो 6 1 7 7 में 5 गया तो 2, इसका मतलब क्या रहा 5 कितना बार 2 बार लिखने के लिए से एक बार लिखा हुआ एक बार और लिखेंगे उसके बाद घटते क्रम में 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। जैसे अब इसको 1 2 3 4 5 ये 5 व्यक्ति है 1 2 3 ये 3 व्यक्ति है तो छोटा व्यक्ति को काउंट कर लेंगे तो कितना व्यक्ति है जी 1 2 3 याद रखने के लिए रेकॉर्डिंग दे देंगे। और 12 में हमेशा क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, जो अमीर है उसको अमीर करते हैं जो गरीब है उसको और हमेशा गरीब करते हैं, तो ये 12 है तो 12 में हमेशा एक ऐड कर देंगे 5 1 6 6 3 क्या तो 3, इसका मतलब क्या है 3 बार लिखने के लिए ये रेकॉर्डिंग डालते हैं कि याद रहे कि इसको कितना बार लिखना है, तो ये 3 बार लिखेंगे तो एक बार लिखा हुआ 2 बार और लिख देंगे उसके बाद घटते क्रम में 2 और 3। अब उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 4 12 13 बच्चों के 48 49। अब कहिए कि सर इसमें आप क्यों नहीं किए, अरे हम एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ना होगा और किसी भी संख्या एक से गुणा करेंगे तो वही होगा इसलिए हम यहाँ पे नहीं किए। ठीक उसी तरह से आप इसको करेंगे कि ये 3 3 3 और 2 2 ये भी सेम ही है, ये भी सेम भी डाटा है, ये कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति है और ये कितना व्यक्ति है 4 व्यक्ति, तो छोटा व्यक्ति को काउंट करेंगे तो 1 2 3 और इसके बाद कितना 1 2 3 4, तो बड़ा में हमेशा क्या करते हैं एक एक कर देते हैं तो 4 1 5 5 3 गया तो 2, इसका मतलब क्या है 3 2 बार लिखने के लिए एक बार लिखा हुआ एक बार और लिखे उसके बाद घटते क्रम में 2 और 1 और लास्ट में क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए इसको 6 1 6 से गुणा करेंगे 6 6 2 12 6 3 18 19 6 3 18 19 अब अच्छा 72 1 73 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।